नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभातम साथियों, मैं हूं आपका भाई ऑल इंडिया बाइसाइकिल राइडर नंदी घोष। आज मैं हूं राजस्थान के किसानगढ़ में और यहां से मैं जा रहा हूं अजमेर, और अजमेर की दूरी यहां पर है 30 किलोमीटर। गाइस, तो आज की इस जर्नी में मैं 30 किलोमीटर का सफ़र करूंगा। हालांकि तबीयत ख़राब है, लेकिन जैसे तैसे मैं अजमेर पहुंचने का पूरा कोशिश करूंगा। और अभी सुबह के 10:30 बज चुका है और कितना तेज हवा चल रहा है, वो भी सर्दी हवा, और बुखार, हल्का सा बुखार भी मुझे हो गया है यार। तो देखते हैं, बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अजमेर जो है गाइस, और 19 किलोमीटर है, लगभग 11 किलोमीटर में आ चुका हूँ और हाईवे पहुँच चुका है। अब तो सीधा चलना है इसी रोड पे। ये कोई बड़ा सा फैक्ट्री है, कौन सा फैक्ट्री है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन देखने में लग रहा है कुछ गैस वगैरह स्टोर किए होंगे इसी कंटेनर में। और 10 किलोमीटर है गाइस अजमेर, तो आज जैसे तैसे अजमेर फाइनली पहुंच ही जाऊंगा। फाइनली गाइस, अभी मैं अजमेर सिटी के अंदर एंट्री कर रहा हूं और यहां से सिटी और भी 6-7 किलोमीटर दूर है, लेकिन बोर्ड तो दिख गया है। अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, स्वागत कर रहे हैं अजमेर वाले। अच्छा, घोड़े को चने खिलाने की बात तो सुना होगा आप लोगों ने, इस तरह से चने खिलाते हैं घोड़े को। मैं तो अपने रास्ते खुशी खुशी जा रहा था गाइस, लेकिन ये बंदा बुला रहा है पता नहीं क्यों। चल के देखते हैं इस पेट्रोल पंप पे, पता नहीं कौन सा घुमरा गाँव पेट्रोल पंप है। तो आ चुका हूँ। गाइस, वैसे तो मैं टॉयलेट जाने के लिए आया था। नहीं आप हमारे अजमेर में घूमने के लिए आए हो, बाय साइकिल पूरे इंडिया का आप टूर कर रहे हो, तो हमारे यहाँ की जो फेमस चीज़ है दरगाह पुष्कर, उसका जरूर विजिट करिएगा। और इसके अलावा जो 7 वंडर है, जिसमें आपको दुनिया की सारी पहचान है ना एक जगह पे मिल जाएगी, उसका भी आप जरूर विजिट करिएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। गाइस, मुझे पता नहीं था कि अजमेर में 7 अजूबों का नक्शा बना हुआ है, मतलब जो ताजमहल हो गया हमारे, और ताजमहल हो गया और एफिल टावर वगैरह सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। 7 अजूबा एक ही जगह पे, उस जगह पे हम जरूर विजिट करेंगे। और मुझे पता नहीं था, मैं मिस स्किप कर देता अगर ये भाई साहब नहीं मिलते। हमें भी आपसे मिलके अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी खुद पर्यावरण प्रेमी और प्लांटेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आपसे मिलकर मुझे ही बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मनीष तारा बता। ठीक है, इन भाई लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक होटल पे बैठ के हम चाय पानी की और कुछ प्लानिंग डिस्कस। आप हमारे घर पे स्टे भी कर सकते हो, देख सकते हो, ऑफर भी दे रहे हैं भैया, कितनी हेल्प कर सकते हैं हम आपकी। तो अभी तो घूमेंगे, रात के टाइम पे आपका नंबर ले लूँगा, फ़ोन करूँगा अगर कहीं की सुविधा नहीं होगा तो। तो अभी 1:30 बज चुका है और उधर घूमने भी जाना है, उसके बाद दरगाह का नाइट व्यू लेंगे। ये जो पैदल जा रहे हैं गाइस, इसी तरह हजारों लोग पैदल जा रहे हैं अजमेर, वो पता है क्यों? क्योंकि वहाँ दरगाह है, वहाँ चादर चढ़ाने के लिए वहाँ का मुस्लिम भाइयों का एक फेस्टिवल है। तो पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ हजारों लोग पैदल आ रहे हैं जयपुर से अजमेर तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका भाई ऑल इंडिया बाइसाइकिल राइडर नंदी घोष, और अभी मैं पिछले 3-4 दिन की मेहनत के बाद पहुंच चुका हूं अजमेर। वैसे तो जयपुर से अजमेर की जो दूरी है 120 या 130 किलोमीटर है, लेकिन तबीयत ख़राब होने के वजह से मुझे 3-4 दिन लग गया और अभी मैं पहुंचा हूं अजमेर का एक
अजमेर का एक मस्जिद जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी सारे श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पहुँचा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है उसी दरगाह का मेन गेट जो अभी फिलहाल के लिए लॉक कर दिए हैं, लेकिन इसी रास्ते से कहीं से जाएगा शायद। जाके देखते हैं मेन गेट किधर है। और अभी मैं गेट नंबर 10 से एंट्री कर रहा हूँ, मेन गेट ढूंढ ढूंढ के थक गया, मिला नहीं, तो गेट नंबर 10 से एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है ठीक। ये जो झील देख रहे हो मेरे सामने, ये अजमेर शहर के बीचों बीच है। कोहरे की वजह से दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसी झील के पूरे किनारे अजमेर शहर बसा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका भाई ऑल इंडिया बाइसाइकिल राइडर नंदी घोष। गाइस, मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूं जहां पर दुनिया का सातों अजूबा एक साथ देखने को मिलेगा, और वो है अजमेर में। और मैं पहुंच चुका हूं, 10 रुपये का टिकट जो है ले चुका हूं और अभी अंदर जाऊंगा। अभी जो दिख रहा है गाइस, ये है मिनी ताजमहल जो काफी। छोटा है गाइस, देखने में बहुत है। मिस्र के ग्रेट पिरामिड जो कि मिस्र। और ये है गाइस स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो कि इसका ओरिजिनल वर्जन है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। और ये है एफिल टावर जिसका ओरिजिनल वर्जन है। और ये है एफिल टावर जिसका ओरिजिन।